सिंगरौली में शिवसेना करीब 8 गांव के लोगों के साथ मिलकर जल्द ही एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ लामबद्ध होकर उग्र धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इस बात की जानकारी शिवसेना जिला प्रमुख रामदयाल पांडे ने दी। 6 अगस्त को शिवसेना ने अपनी 18 सूत्रीय मांग पत्र एनटीपीसी प्रबंधन सहित जिला प्रशासन को सौंपा था, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने जल्द ही मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इन मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर शिवसेना जिला प्रमुख ने एनटीपीसी को स्मरण पत्र दिया। इस दौरान पांडे ने कहा कि यदि जल्द ही जनता की समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो शिवसेना इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन सहित एनटीपीसी की होगी। हमने दिनांक 6 अगस्त 2024 को एनटीपीसी को और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से माननीय तहसीलदार साहब उपस्थित हुए, ज्ञापन लिए। एनटीपीसी से कुंदन किशोर और शक्तिनगर एनटीपीसी से अवधेश पाठक जी उपस्थित रहे। उनके द्वारा कहा गया कि आपकी जो जमीनी स्तर की मांगें हैं त्वरित पूरा किया जाएगा, लेकिन धरातल पे आज तक कहीं दिखने का नाम नहीं ले रहा है। चूँकि यह जन समस्या का बात है, शिवसेना राष्ट्रहित में काम करती है, लेकिन इसके साथ ही जन समस्याओं का भी निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। हम पुनः स्मरण पत्र के माध्यम से एनटीपीसी और प्रशासन, माननीय जिला कलेक्टर, माननीय मुख्यमंत्री को पुनः स्मरण पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं कि अविलंब इस पे वार्ता कराई जाए और गहनता से इस बात को रखा जाए। चूंकि यह जन समस्याओं की बात है और यदि नहीं करते हैं समय अनुसार तो आने वाला दिन शिवसेना का होगा और उग्र धरना प्रदर्शन की भी जो है कि हो सकती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।